नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने हाल ही में धनश्री वर्मा संग सगाई की, इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। सगाई के बाद से चहल और धनश्री दोनों आए दिन एक दूसरे संग फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। धनश्री वर्मा हाल ही में अपने मंगेतर युजवेंद्र चहल को सपोर्ट करने के लिए दुबई पहुंची हैं। आरसीबी के क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा इन दिनों दुबई में है। एक तरफ वो युजवेंद्र चहल को आईपीएल 2020 के मैचों के दौरान चीयर करते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंगेतर युजवेंद्र चहल के साथ रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, धनश्री एक फेमस यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपने डांस वीडियो के जरिए फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है। हाल ही में धनश्री वर्मा ने अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी के सुपरहिट गाने बुर्ज खलीफा पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने डांस और कंटेंट वीडियो के चलते उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन में अपने मंगेतर की हौसला अफजाई करने यूएई पहुंची धनश्री का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के गाने बुर्ज खलीफा पर धनश्री ने जमकर डांस किया है। धनश्री के इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है, जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है और शेयर किया है। बता दें, धनश्री अक्सर अपने डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। बता दें कि धनश्री और युजवेंद्र चहल ने कुछ समय पहले ही एक दूसरे का हाथ थामा है। धनश्री अक्सर आईपीएल के मैच में स्टेडियम में देखी जाती हैं। इससे पहले धनश्री मंगेतर युजवेंद्र चहल को सरप्राइज देने के लिए उनके होटल पहुंची थी। उनके इस वीडियो को आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। बता दें, धनश्री वर्मा एक फेमस यूट्यूबर हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। धनश्री सोशल मीडिया पर अपनी अक्सर डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं। फैंस उनके डांस वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते रहते हैं। धनश्री अपनी शानदार कोरियोग्राफी के लिए भी जानी जाती हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।